मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी का फिर से मेरे और एक नए वीडियो में स्वागत है गाइस। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10:30 बज रहा है गाइस। आज है बुधवार का दिन। और अभी देखो, मैं ये चूड़ा और ये सूजी को ऐसे भिगा के रखी थी थोड़ा, और इसका मैं अभी इडली बनाऊंगी नाश्ता। तो मेरे पास ग्राइंडर तो मालूम है आप सबको नहीं है, उनको कल दे दी, लौटा दी। तो ऐसे ही मैं खाल ऐसे ही मतलब करछुल में ऐसे ऐसे करूँगी, जैसे होगा होगा, और क्या बोलूँ। तो ये इसको मैं कर लेती हूँ गाइस, थोड़ा नमक उमक मिला के करती हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा करने वाली थी लेकिन बहुत हो गया। ग्राइंडर में इसे ग्राइंड एक बार कर देने से पूरा अच्छे से पूरा मिक्स हो जाता, बहुत अच्छा होता। तो मैं भिगा के रखी थी कितना, 1/2 घंटा जैसे होगा। तो इसको मिला लेती हूँ गाइस, और फिर बनाने के टाइम में मैं फिर दिखा दूँगी आप सबको। तो ये गरम हो चुका है गाइस, और देखो ऐसे हुआ है, ज़्यादा मतलब पूरा ग्राइंड नहीं हुआ। देखती हूँ कैसे बनता है, अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, जो भी बनेगा खा लूँगी और क्या करूँगी गाइस। तो अभी इसको मैं वहाँ पे दे दूँगी, अच्छा ही लगेगा मेरे को लगता है ऐसे। चलो मैं दे देती हूँ गाइस वहाँ पे। और उधर हो रहा, मैं वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी गाइस, वहाँ पे मैं दे के फिर वहाँ का ढक्कन लगा दी। और थोड़ा मैं लौकी को काट लेती हूँ, क्योंकि आज लौकी का सब्जी बनेगा। इधर लौकी का सब्जी बनेगा, मैं बोली उनको लौकी का सब्जी बना, लौकी है ना फिर ख़राब हो जाएगा, इतना नहीं खाने, फिर कल गुरुवार हो जाएगा, फिर परसों शुक्रवार हो जाएगा, तो आज ही खा के ख़त्म करना है। और यहाँ पर फिर अंडा भी लाए हैं, तो इधर ये बनाऊँ क्या बनाऊँ पता नहीं। तो गाइस मैं इसको अभी काट लेती हूँ, और उधर पकने तक इधर मैं इसका मैं तैयारी कर लेती हूँ। गाइस ये देखो, मेरा चूड़ा और सूजी का इडली बना है, उतना थोड़ा खास नहीं बना गाइस। यहाँ पे मैदा थोड़ा कुछ मिलाती या चावल का पाउडर तो और अच्छा रहता शायद। ये थोड़ा बहुत ही नरम हो गया, बहुत ही नरम, थोड़ा ठंडा होगा तो, अगर टाइट होगा तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा नरम हो गया है, लेकिन खाने में टेस्ट लगेगा। तो ऐसे बनाई हूँ, और थोड़ा था, और थोड़ा बच गया, उसको मैं ये देखो इसे करके अभी इसको खाऊंगे। थोड़ा बच गया तो मैं बोली कि चलो इसको और क्या करूंगी, उसको इडली नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो अच्छा नहीं बना तो इडली, इसीलिए मैं इसको इसे कर दी गाइस। और यहाँ पे अभी अंडा को और आलू को मैं सिझा दूंगी, और इधर फिर मैं सब्जी उब्जी काट के रखी हूँ। तो बहुत लेट हो गया, अभी 10 बजे मैंने 11 बजने के लिए और 10 मिनट बाकी है, तो इसको उतार देती हूँ गाइस। ये देखो गाइस, गाइस बहुत ठंडा लग रहा है आज भी, रोज ठंडा, और मेरा दांत दर्द हो रहा है गाइस ठंडा के लिए ना, गैस के बाद पेट गैस हो जाने से भी दांत में दर्द होता है इधर, और ठंडा ज़्यादा होने से भी दांत में दर्द होता है। तो मेरा क्या हुआ है, मेरे को ठंडा के वजह से ना क्या मालूम नहीं, और ठंडा बहुत लग रहा है गाइस। तो मैं थोड़ा सा, और उधर मैं अंडा को सिझाई हूँ,
फिर वो हो जाएगा तो फिर सब्जी उसी कढ़ाई में बना दूंगी। और फिर खाते खाते इतना लेट हो जाता है, क्या बोले, घर के अंदर ही बहुत ठंडा लग रहा है गाइस, क्या बोले कैसे लगता है पता नहीं, अच्छा ही लगेगा गाइस। तो इसे भी चूड़ा तो अच्छा ही टेस्ट तो रहता है, थोड़ा नरम हो गया तो क्या हुआ, अच्छा लगेगा, तो खा लेते हैं। अच्छा लग रहा है गाइस, और जानते हैं उतना भी नरम नहीं है, ठीक है, टाइट हो गया, थोड़ा थोड़ी देर रख दी ना तो थोड़ा टाइट हो गया। और मेरा चटनी ना खराब हो रहा है, सब खा के खत्म कर दूंगी नहीं तो फिर खराब हो जाएगा, कल दिन में बनाई थी। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, मेरे को नहीं मालूम था कि इतना टेस्ट लगेगा बोल के। चावल और बीरी का जो इडली होता है ना उससे भी वो टेस्ट लग रहा है। करंट चला गया गाइस, ऐसे ही होता है। और ये चटनी में ना थोड़ा बहुत झाल लगा दी थी गाइस, ये देखो अंडा बनाई थी खत्म हो गया, दो को बचा है, ये लोग खाना खा के देखो यहाँ पे खा रहे हैं सब कोई ये खाई की खत्म कर दे रे, एक होता दिखा रहे तो अंडा कौन लाएगा, अंडा खत्म चमन प्रोस्टा ए भल सॉरी लगे, मतलब देह फुर्ती रहे आओ ठंडा सर्दी पांच छोटा की नहीं कर रखा है इसे नहीं खात नहीं खाए नहीं खाए खाए बहुत बाय चांस गाइस देखो सब कोई आज यहाँ घर पे आए हैं, सब कोई वहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ पानी उनी का सुविधा नहीं है इसीलिए सब आज पूरा पलटन आ गए हैं गाइस घर पे खाना खाने। वहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ काम कर रहे हैं अभी वहाँ पे पानी का सुविधा नहीं है, पीने का पानी नहीं है वहाँ पे, इसीलिए वो बोले कि नहीं वहाँ का पानी नहीं पियेंगे, घर आ जाएंगे खाना खाने के लिए। और फिर सामने में है तो फिर खाना खाने आ गए हैं घर, और मैं और सब्जी बनाई वो सब कुछ नहीं दिखा पाई इतना। और मेरा दांत आज बहुत दर्द कर रहा है गाइस, यहाँ पे मसूड़ा हो गया है ठंडा की वजह से ना, तो फिर अभी मैं भी खाना खाऊंगी, मेरे लिए क्या क्या बनाई हूँ मैं खाना निकालूंगी तो मैं दिखा दूंगी आप सबको, ठीक है। गाइस ये देखो मेरे लिए मैं ये टमाटर खट्टा बनाई हूँ, और ये लौकी का सब्जी, और यहाँ पे भात में निकाली हूँ। तो आज मेरा खाने का बस इतना ही गाइस, मेरे को पनीर खाने का बहुत मन हो रहा था गाइस, लेकिन क्या बोले अगर पनीर बनाऊंगी तो इतना सारा सब्जी कितना खाएंगे, आजकल मैं नहीं खा पाती हूँ जिसे फिर भी बहुत खा रही हूँ। इधर इतना हल बड़ा लाल लौकी था, और नहीं बनाने से भी वो नहीं होगा, मेरी माँ दी थी तो आधा को पिठा बनाई, फिर आधा फिर और भी थोड़ा सा बच गया है, इसको आज शाम को पिठा बनाऊंगी सोच रही थी, लेकिन नहीं बनाऊंगी, खा नहीं पाऊंगी, देखती हूँ नहीं तो किसी को दे देने से कोई सब्जी उब्जी बना लेगा। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ गाइस, खा लेती हूँ। मेरा दांत बहुत दर्द कर रहा है, मेरे को बर्दाश्त नहीं आ रहा है, अभी तो मेडिसिन दुकान भी बंद होगा, जाके फिर शाम को लेके आ जाऊंगी। टाइम हो रहा है 6, शाम का 6 बजने वाला है, और अभी मैं जा रही हूँ क्या बोलते हैं पार्क, ग्रीन पार्क बंद करने, कहाँ जा रही और क्या क्या करूँगी आप सबको दिखा दूंगी। खाना सब्जी बन गया, आज थोड़ा सा ठंडा कम है मैं क्या पता नहीं थोड़ा सा ठंडा कम है गाइस, मुझको लग रहा है इसे, उस दिन तो बहुत ठंडा लग रहा था, हल्का सा है लेकिन थोड़ा सा हल्का ठंडा है, या फिर मैं काम वूम कर रही थी इसीलिए
मेरे को ठंडा नहीं लग रहा है, पता नहीं। एक ब्लेड खरीद के लेके जाऊंगी गाइस वहां पे, मतलब वो जो है ना जो पास में जो सामान सब आया था वहां पे जो लगा हुआ था जरी सब लगा हुआ था ना, वो सबको काटना है और सब निकालना है, क्योंकि 25 तारीख को पिकनिक होगा ना, तो सब कुछ साफ सुथरा करना पड़ रहा है गाइस। कहाँ से ब्लेड खरीद के ले जाऊँ, कहाँ मिलता है, पूछना पड़ेगा। ब्लेड मिल की खोला वाला ब्लेड दिया गोटे कते टंगा गुपचुप। अंधेरा अंधेरा दिखता है गाइस लाइट्स। गाइस अभी 7:30 हो रहा है, सब आई पार्क से और मैं थोड़ा कॉफी बना रही हूँ कॉफी। आज मेरे को कॉफी पीने का मन हुआ तो 10 रुपये वाला अमूल और इसमें पीऊँगी, ये कागज़ वाला कप में पीऊँगी। और देखो नीचे गिरा। और 2 रुपये वाला कॉफी लाई थी खरीद के। चलो ये देखो ये वाला कॉफी लाई थी टाटा गोल्ड ना क्या की। तो चलो कॉफी निकाल लेते हैं गाइस। और ये अभी आए नहीं है अभी तक, आलोक और मैं पियेंगे तो ठीक है। पी दे, नींद नहीं आ सुबह ला कॉफी रखे चाना की नहीं किया। छोटा छोटा ग्लास में अभी पियेंगे कॉफी, एनर्जी आएगा थोड़ा। ठंडा भी बहुत लग रहा है और चाय पीना तो बच ले, बहुत गर्म है। और मैं आज क्या बनाऊंगी गाइस जानते हैं, वो लौकी जो था, लौकी सुबह जो सब्जी बनाई थी उसका जो छिलका बच गया था और छिलका को छोटा छोटा काट के रखी हूँ और उसका अभी भुजिया बनाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बोलते हैं सब कोई, मैं खाई नहीं, एक बार बनाई थी जो अच्छा बना था लेकिन कम था उस थोड़ा, और अभी थोड़ा ज़्यादा काट के रखी हूँ और बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी ठीक है। बहुत गर्म है गाइस कॉफी, थोड़ा ठंडा होने जाने के बाद मैं पीऊँगी। प्याज मिलाते हैं कि नहीं पता नहीं, अच्छा सेंट आ रहा है कि कुछ नहीं, कुछ आ रहा है वासना, कुछ नहीं आ रहा है ना, मेरे को भी नाक में वासना कुछ नहीं आ रहा। प्याज व्याज मिलाते हैं कि नहीं, नहीं मालूम। और थोड़ा पक जाने,
गाइस ये है लौकी का छिलका, उसका मैं भुजिया बना रही हूँ। खाने में कैसे लगेगा पता नहीं। देखो गाइस हम लोग खाना खा रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है, अभी 8:30 बज रहा है। खाना उना खा लेंगे और सो जाएंगे, ठंडा लग रहा है बस। कहाँ जाएंगे देखो क्या क्या। थोड़ा सा सब्जी सब खा के ख़त्म कर देंगे ये सुबह का। ये लौकी का क्या, लौकी का उसका क्या चोपा छिलका। अरे ये आलोक अंडा भात खा रहा है। अरे ये भी भात थोड़ा आज टाइट था, ठीक था। कैसे लग रहा है देखो लौकी का, बोलो जी चौपाटा। अच्छा लग रहा है गाइस, छिलका लौकी का छिलका बहुत टेस्टी है। मैं तो अच्छा लगेगा कि नहीं बोल रही थी, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अदालत बहुत दिन हो गए नहीं देखे ना, अदालत अच्छा लगता है। हमारे घर पे ना लौकी का लौकी लगाया है मेरी माँ, इसीलिए बहुत सारा और बहुत अच्छा घर का लौकी। इतना बड़ा था लेकिन फिर भी वो ना पूरा टेस्टी और नहीं हो जो क्या बोलते हैं पूरा कोसी टाइप कौन कहते हैं हिंदी बालक है। ओ बालक। इतना बड़ा था लेकिन उसका बूढ़ा नहीं हुआ था, अच्छा लगा। उड़िया में क्या बोलते हैं कोसी, उड़िया में कोसी। खस्सी बोल रहा है।